प्राण सर आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल प्राण ट्यूशन सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 18 जो है इफ 10a+b इक्वल टू √3 एंड 10a-b इक्वल टू 1/√3 फाइंड करना है a एंड b। इसको स्टार्ट करते हैं बनाने, तो 10 बनाने के लिए इसको 10a+b इक्वल टू √3 है, 10a+b इक्वल टू होता है, ये जो 10√3 किसका वैल्यू है, अगर हम इसका करेंगे 10 तो √3 आता है 10 60 डिग्री। अब a+b इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, चाहे तो इसको 10 से 10 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो बचेगा a+b इक्वल टू 10 60 डिग्री इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड करेंगे 10a-b इक्वल टू 1/√3, 10a-b इक्वल टू फिर 1/√3 जो है 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, a-b इक्वल टू 30 डिग्री इक्वेशन 2 करते हैं इसको। अब 1 और 2 को ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 को लिखेंगे a+b इक्वल टू 60 डिग्री, a-b इक्वल टू 60 डिग्री ऐड करने पे ये दोनों क्या होता है, ऐड करते हैं इसके इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, एडिंग 1 एंड 2 को a+b इक्वल टू 60 डिग्री, a-b इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, b प्लस माइनस है, b भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, a और a 1 और 1 2a इक्वल टू ऐड करने पे होगा 690, तो a इक्वल टू हो जाएगा 90/2, 2 से कैंसिल करेंगे 245 जा 90 होता है, तो a का वैल्यू आएगा 45। अब a का वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट द वैल्यू a इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, a+b इक्वल टू है 60, a का वैल्यू हमने क्या निकाला 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5, 6 में से 5 हुआ, 5 में से 4 जाएगा 1 15, तो a और b का फाइंड करना था वैल्यू, a और b लिखेंगे, a का वैल्यू हो गया हमें 45 और b का वैल्यू हो गया 50, ये दोनों a और b हमें फाइंड करना था, तो ये इसका आंसर हुआ। आई होप आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा, समझ लिए हैं, तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए हम लोग फिर से आएंगे, इसे समझने के बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।